पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक अहम बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मैं भवानीपुर उपचुनाव हार जाती हूं तो बंगाल का कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। ममता ने एक सार्वजनिक रैली में कहा है कि अगर मैं नहीं जीती तो कोई और मुख्यमंत्री होगा। मुझे मुख्यमंत्री के रूप में रखने के लिए मुझे अपना वोट दे, मेरे लिए हर वोट कीमती है, उसे बर्बाद मत करें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान उपचुनाव को लेकर उनके तनाव की अभिव्यक्ति है और एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि वह पहले कभी इस स्थिति में नहीं रही और इसलिए वह चुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित हैं। भवानीपुर में पिछले चुनावों के आंकड़े भी दिखाते हैं कि वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं है। खुद को लोगों की रक्षक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, जहां मैंने किसान आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं वहाँ कैसे हार गई। मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को पता चल जाएगा कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था, लेकिन अब मैं यहां हूं, शायद यह भाग्य है। मैं आपको नहीं छोड़ सकती, हर वोट मूल्यवान है, इसलिए अपना वोट यह सोचकर बर्बाद ना करें कि मैं तो जीत ही जाऊंगी। अगर आप अपना वोट नहीं देंगे तो मैं हार जाऊंगी। बता दें कि केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए बनर्जी ने कहा है कि मैं मोदी शाह को दादा कह सकती हूं, यह शिष्टाचार है, लेकिन मैं देश में तालिबान शासन को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं देश को टूटने नहीं दूंगी, मैं राज्य को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बढ़ने दूंगी, मैं आम लोगों में फूट नहीं पड़ने दूंगी। उन्होंने कहा है कि निरंकुश तरीके से सरकार चला रहे उन्होंने हमें रैली करने से रोकने के लिए अचानक त्रिपुरा में धारा 144 लागू कर दी और यह सब एक लोकतांत्रिक देश में जारी नहीं रह सकता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।